Now, students, first of all, we will take a point, that is work done by a magnetic force on a charged particle is zero. Okay. So, students, first of all, we have to know about this point, that is F dot V is equals to zero. Okay. Why F dot V equals to zero? Because F ki baat ki jaye. तो दैट इज क्यू वी बी ओके ये हमें ऑलरेडी मालूम है ओके एंड द डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो बी. सो ध्यान देखना अगर हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोस आएगा. कोस का मतलब कि यहाँ पे हमें इसको सोल्व करते टाइम कोस ऑफ थीटा आएगा. नाउ वी क्रॉस बी, दिस इज द वी क्रॉस बी. सो वी क्रॉस बी का रिजल्टेंट वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ओके अब v क्रॉस b का रिजल्टेंट है v और b प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर और v सपोज करो इस तरीके से है तो दोनों के बीच में इसके रिजल्टेंट और v के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा. ओके इसका मतलब कि इस पूरे का रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो. जीरो क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे cos ऑफ 90 आएगा और cos 90 कितना होता है? जीरो होता है. सो हमें यह ध्यान रखना है कि f डॉट v इक्वल टू जीरो. सो इसी को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं. We already know the formula of F according to Newton's second law of motion, that is F equals to m into a. Now put the value of m and a in such a way that F equals to m dv upon dt. Okay. Now take m dv upon dt. हमने dv upon dt ले लिया. Okay. Now do one thing. इस property को हमें यहाँ use करना है. So अगर मैं इस पूरे का v से multiply करूँ तो ये zero आएगा. ओके ना इसको सॉल्व करते हैं. टेक m कॉमन. ओके दैट इज v डी वी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू जीरो. अब यहां पे हम इसको m बाय टू कर देते हैं. m बाय टू दैट इज v डी वी अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी इंटू वी दैट इज इक्वल्स टू जीरो. नाउ आपको एक डिफ्रेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी. डिफ्रेंशिएशन ऑफ a इंटू बी गिव्स a into differentiation of b plus b into differentiation of a. a into differentiation of b plus b into differentiation of a. So हमें यही property यहाँ पे use करनी है. So it will be m by 2 d by dt of v cross v. Okay. So it will be, अब m by 2 को अंदर ले लो, it will be half d by dt of half m and this is v square that is equals to zero. Now what is half mv square? This is the kinetic energy. So it will be d by dt of kinetic energy equals to zero. अगर इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में समझें तो काइनेटिक एनर्जी के में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो रहा है. इसका मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो है. इट मीन्स इन अ वर्क डन by a magnetic force on a charged particle is zero in this case. So this is important derivation. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Okay? So आगे move करते हैं. Now motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Okay? Motion of charged particle in uniform magnetic field. Suppose अगर कोई charged particle magnetic field की direction में ही move कर रहा है. ओके कोई भी चार्ज पार्टिकल, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके और कोई चार्ज पार्टिकल इसी में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है या फिर इसी पोजीशन पर है तो इसकी पोजीशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड के साथ आगे मूव करता जाएगा. ओके कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर रही थी उसके एडिशनल या फिर उसके अलावा कोई और फोर्स इस पर नहीं लगेगा. बट अगर हम बात करें, दिस वॉज द फर्स्ट केस, बट हम बात करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ. Do you know what is the meaning of this one? Cross मतलब magnetic field अंदर की तरफ जा रही है. ओके और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है रेंडमली इस डायरेक्शन में, सपोज करो ऐसे. तो इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है. ओके मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंटिन्यू फोर्स रहेगा जिसकी वजह से ये इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके इसका मतलब कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस वन. ओके तो सपोज करो सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो
तो अगर यूनिफॉर्म और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट इट मूव इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक सर्कुलर मोशन बनाएगा. ओके, नाउ सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज अ वी वेलोसिटी. नाउ हमें मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर की तरफ मूव करते हुए या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट डिफाइंड एज द एम वी स्क्वायर अपॉन आर. और इसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज क्यू वी बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल. नाउ इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज वी स्क्वायर से वी कट आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी. ओके, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा तो वो हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी. नाउ सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, सो व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज टू पाई आर अपॉन वी. नाउ जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वी, यहां से वी की वैल्यू उठा के आपको यहां पे पुट कर देनी है या फिर आर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर देनी है. यू गेट द फॉर्मुला ऑफ द टाइम पीरियड. ओके, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टी, जो टाइम पीरियड निकलेगा उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. नाउ दीज टू केसेस आर द स्टैंडर्ड वन, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा. सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ना पैरेलल मूव कर रहा है ना परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी वो मूव तो कर रहा है बट किसी एंगल के साथ, तो उस केस में दोनों ही एक्टिविटीज होंगी. दोनों ही एक्टिविटीज होंगी, इसका मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी मूव करेगा और सर्कुलर पाथ को भी बनाएगा. इसका मतलब है वो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा. बात समझ में आई? यानी चार्ज पार्टिकल आगे भी मूव कर रहा है और वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ भी बना रहा है. बट ऐसा कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाए, इट मे बी थीटा. ओके, कोई सा भी एंगल हो सकता है, बट वो जीरो डिग्री नहीं होगा और 90 डिग्री नहीं होगा. बिकॉज अगर जीरो डिग्री होता है तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट मूव करेगा, और 90 डिग्री होता है तो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और यू कैन से द मोशन, दिस वन मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सपोज करो यहां पे आपके पास दो स्लिट्स हैं, स्लिट नंबर वन एंड दिस इज द स्लिट नंबर टू, दिस इज एस टू. यहां से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. नाउ वी आर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, यहां पे हमने दो पोल्स ले लिए बैटरी के, इट इज प्लस इट इज माइनस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. साथ में हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ले रखा है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो होगा क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल, सपोज करो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आएगा तो इसके ऊपर दोनों ही फोर्सेज लगना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेज एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेज. सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन मे डाइवर्ट इन दिस डायरेक्शन, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो इट मे मूव इन दिस डायरेक्शन. नाउ अगर सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सीधे इस डायरेक्शन में मूव होके निकल जाएगा. ओके, नाउ इसका मतलब कि अगर यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले दोनों फोर्सेज इक्वल हो. नाउ कम टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज ई वी बी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज क्यू ऑफ बी. ओके, दैट इज ई ऑफ ई. नाउ सॉल्व दिस वन, वी गेट द रिजल्ट वी इक्वल्स टू ई अपॉन बी. नाउ इसको वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं, ये जो सेटअप है इसको हम वेलोसिटी फिल्टर भी बोलेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है. आपको हॉर्स शू वाला एक एक्सपेरिमेंट याद होगा जिसमें हमने कंडक्टर को हॉर्स शू में रखा था, हॉर्स शू के पास में रखा था, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा था जब कंडक्टर से करंट फ्लो किया.
वही एक्सपेरिमेंट है, तो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा बिकॉज ये रिपीटेड पार्ट है। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करेंगे, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, किसी भी कंडक्टर को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ एल है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट फ्लो है उसको अगर हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फोर्स रहेगा, दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सपोज वी हैव टू कंडक्टर और दोनों में आई वन और आई टू करंट फ्लो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो थ्रू एन एक्टिविटी और थ्रू एन एक्सपेरिमेंट वी विल फाइंड आउट कि दोनों में जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड जस्ट वाइस वर्सा अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक में ऊपर जा रहा है एक में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स प्रोड्यूस बाय दिस करंट ऑन दिस वन, यानी इस करंट की वजह से जो फोर्स इस पर प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द जोन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड कर्व्स बनेंगे, तो हम इस वाले कर्व को यूज करेंगे जो कि इस आई टू को टच करें इस तरीके से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, नाउ सपोज दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। नाउ अब बचा ये वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस कंडक्टर की जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर से दैट इज द आर, तो हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा है दैट इज द आई टू। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द फोर्स विल बी आई टू, लेंथ इज R and magnetic field is mu naught I1 upon 2 pi R. Okay, here you can take the length is L. Okay, because we have already used the R here. Okay, तो आप यहाँ पे length L ले लेंगे. So F will be mu naught L I1 into I2, mu naught L I1 into I2 upon 2 pi R. Now, this is the formula of the force. Now, if we talk about the force per unit length, तो force per unit length में क्या करना है, इस L को आपको यहाँ पे divide कर देना है, force तो हमने निकाल लिया, per unit length का मतलब इस L को आप यहाँ पे लेके आ जाओ, तो this is the force per unit length. So, force per unit length will be mu naught I1 I2 upon 2 pi R. L मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि L को हमने already यहाँ पे use कर लिया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अगर यही फोर्स, जैसे हम इस फोर्स को मैंने पहले I1 को मैग्नेटिक फील्ड माना था, I2 पे फोर्स फाइंड आउट किया था, I1 वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड हमने सेंटर लिया था और I2 पे फोर्स फाइंड आउट किया था, अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो I1 की तरफ होगी, इसका मतलब कि अगर मैंने फर्स्ट केस में फोर्स फाइंड आउट किया है और फिर मैं सेकेंड केस में फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइन के होंगे। ओके, अगर F1 प्लस का है तो F2 माइनस का होगा, इसका मतलब कि दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में अपना एक रोल प्ले करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि हमें टॉर्क के बारे में स्टडी करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ओके, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, this length is A, this one is the B, okay, and by the normal it makes an angle theta with the magnetic field, okay, this is the theta, now this is north pole, isko thoda sa aur badha de, that is the south pole, okay, now dhyan se dekhna bachcho, अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इस लूप के फोर साइड हैं, दिस वन एंड दिस एंड लास्ट वन, ओके, अगर मैं इस साइड को और इस साइड की बात करूं तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, नाउ अगर हम करंट की डायरेक्शन कुछ भी लेते हैं, सपोज करो वी आर टेकिंग द करंट इन दिस डायरेक्शन, सो क्या होगा कि इस वाले लूप में
यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन दोनों ही साइड में रिवर्स है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट करंट की डायरेक्शन दोनों ही केसेस में क्या है, रिवर्स है। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इस पर वो फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के केसेस में सेम है बट करंट की डायरेक्शन एक में अपवर्ड है और एक में डाउनवर्ड है, तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो फोर्स इनवर्स लगेगा और करंट की डायरेक्शन जब डाउनवर्ड होगी तो फोर्स आउटवर्ड्स लगेगा। ओके, इसका मतलब कि इन दोनों साइड्स में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो सपोज करो इसमें फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। चलो अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इन दोनों पॉइंट पे भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि इसमें फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बट इन दोनों फोर्सेस की वजह से कोई रोटेशन नहीं होगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से रोटेशन पॉसिबल है। सपोज करो दिस इज द लूप, अगर एक फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये रोटेट करने लग जाएगा। बट अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कहाँ रोटेट करेगा, एक ऊपर एक नीचे, कुछ नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक टोर्क प्रोड्यूस होगा। बेसिकली हमें उसी की बात करनी है। इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। सपोज करो इसको मैं अगर ऊपर से देखूँ तो मुझे एक ऐसी लाइन नजर आएगी, इस पे एक फोर्स एफ इधर लग रहा है, इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मेक्स एन एंगल थीटा एंड दिस इज द ए ऑफ साइन थीटा। नाउ टोर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, वी ऑलरेडी नो दैट इज आई एल बी। ओके, आई एल बी। नाउ आई इज द करेंट, एल की जगह यहाँ पे दिस वन इज द बी एंड बी इज द मैग्नेट फील्ड, लेंथ कितनी है बी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इंटू ए साइन थीटा। तो इसको मैं आई बी इंटू ए गिव्स द एरिया, सो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज द साइन थीटा। ओके, ना अगर ये सिंगल टर्न है तो यहाँ पे इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बट अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स एन ले लेता हूँ, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स द टॉर्क विल बी एन आई ए बी साइन थीटा। ना दिस वन एन आई ए, दिस इज नोन एज द मोमेंटम। ओके, और यू कैन से दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एम, सो इट विल बी टॉर्क इक्वल्स टू एम इंटू बी और साइन थीटा और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एम क्रॉस बी। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर एन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एक्चुअली दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करेंट फ्लो इन अ सर्किट एंड इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द स्मॉल करेंट इन द सर्किट, दोनों चीज़ों के लिए काम आती है। ओके, सो गैल्वानोमीटर में अगेन अगर हम पूरे वर्किंग और प्रिंसिपल की बात करें तो जो हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही प्रिंसिपल इसमें भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे भी एक रोटेशन प्रोड्यूस होता है बट उस रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ओके, इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है, जैसे रोटेट हो गई इस तरीके से चली गई, अगर पॉइंटर रोटेट होकर आगे जा रहा है तो स्प्रिंग इसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगी। ओके, सपोज करो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से पॉइंटर यहाँ रोटेट होकर चला गया, लेकिन जैसे ही करंट स्टॉप हो जाता है तो ये स्प्रिंग जिसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ है, ये स्प्रिंग इसको वापस से अपनी जगह पे लाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमें रिस्टोरिंग टॉर्क, एक नया वर्ड आया है, इसको भी डिस्कस करना है। टॉर्क तो हमें ऑलरेडी मालूम है, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने एन आई बी ए साइन थीटा पढ़ी रखा है, बट यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क को अपन के ऑफ अल्फा से डिनोट करेंगे। नाउ एज वी ऑलरेडी नो द टॉर्क इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा। ओके, और यहाँ पे साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री होगी, सो वी कैन डिलीट द साइन 90, हम यहाँ से साइन 90 हटा सकते हैं बिकॉज साइन 90 इक्वल्स टू 1, सो टॉर्क इक्वल टू एन आई बी ए। नाउ हम बात करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क की। रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा बेसिकली एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितने एंगल से पॉइंटर डिफ्लैक्ट हुआ है। सपोज दिस एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, ये एंगल अल्फा से डिनोट हो रहा है, तो रीस्टोरिंग जो टॉर्क होगा, टॉर्क रीस्टोरिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, और यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू के ऑफ अल्फा। ओके, नाउ इन इक्विलिब्रियम,
इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो वी ऑलरेडी नो दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज के ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा, दैट इज एंगल, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क होगा दैट इज एन आई बी ऑफ ए. ओके नाउ इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट अल्फा इक्वल्स टू एन बी ए, ये के नीचे चला जाएगा, इन टू ऑफ आई. ओके इस रिजल्ट को देख के हम एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, यानी जितना ज़्यादा करंट उस गैल्वानोमीटर से फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे अल्फा क्रिएट होगा. ओके नाउ वन मोर थिंग, इफ यू वॉन्ट टू टेक द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ओके तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन एन बी ए इन टू आई, I equals to alpha k upon NBA into alpha. So this is the galvanometer constant. Okay, so it will be I equals to g of alpha. G क्या है? Galvanometer constant है यहाँ पे. So अगर हम यहाँ पे sensitivity की बात करें कि कोई भी galvanometer, कोई भी आपके पास device है, वो कितना sensitive है, तो sensitive का मतलब ये होता है कि minimum value में कितना ज़्यादा deflection आ रहा है, मिनिमम वैल्यू में कितना ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है, दैट डिफ्लेक्शन और दैट टाइप ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इस टाइप की जो चीजें होती हैं इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं. ओके कम डिफ्लेक्शन या फिर कम करंट दे रहे हैं फिर भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है उस डिवाइस की. अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है बट फिर भी डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो डिवाइस लेस सेंसिटिव है. सो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं. सो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ गैल्वेनोमीटर इट इज, अगर इसमें दो चीजें आएंगी, फर्स्ट वन करंट सेंसिटिविटी एंड सेकेंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी को हम आई एस से डिनोटेड करेंगे, दैट इज अल्फा अपॉन आई. वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम वी एस से डिनोट करेंगे, दैट इज अल्फा अपॉन वी. ओके दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू. ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है. अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप वन थिंग इन आवर माइंड दैट अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, पहली बार, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कनेक्शन सीरीज में हो जाएगा. आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ओके यहां पे एक शंट यूज करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे शंट. ओके इस तरीके से यहां पे जी, सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके यहां से जो करंट जाएगा वो आई जी, यहां पे करंट जो बचा आई माइनस आई जी. इस शंट को मैं एस से डिनोट करूंगा. अब क्या होगा, हमें ये मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा, ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं कि हमें एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना, एमीटर सीरीज में ही कनेक्ट होगा, बट ये जो कनेक्शन है जो मैंने शंट लगाया है ये इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में होगा. दिस इज द इंटरनल कनेक्शन, दिस इज कंप्लीट द अमीटर, ये पूरा का पूरा अमीटर है. ओके ये पूरा का पूरा अमीटर सीरीज में लगाया जाएगा. ये मत सोचना बच्चों कि सर आपने तो यहां पे पैरेलल में लगा दिया बट अभी बोल रहे थे कि अमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं. ये कंप्लीट डिवाइस अमीटर है, ये सीरीज में लगी हुई है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर जो हमने शंट लगाया है ये इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया है. ओके सो अगर हमें मालूम है कि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों लूप्स में या फिर दोनों साइड में सेम होती है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का सेम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लोअर साइड का कितना होगा, आई जी इन टू जी. ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अगेन वी इक्वल्स टू आई आर, दैट इज आई माइनस आई जी इन टू एस. यहाँ से आप एस कैलकुलेट कर लेना, बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है, तो यहाँ से आप एस कैलकुलेट कर लोगे. सिमिलर वे में ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, दिस रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द आर, दिस इज ए एंड बी. ध्यान रखना वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में लगाना होता है, इसका मतलब कि ये कंप्लीट सेटअप आपका पैरेलल में लगेगा सर्किट के. ओके ये कंप्लीट सेटअप आपका सर्किट के पैरेलल में लगेगा. सो यहां से करंट आई फ्लो रहा है, यहां से भी आई ही फ्लो होगा क्योंकि डिवाइड तो हो ही नहीं रहा करंट. सो यहां पे क्या करेंगे,
दिस इज द आई जी, अगर करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, ओके तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, बट यहां पे आर की वैल्यू में क्या आ जाएगा, दिस इज द जी प्लस आर, ये ध्यान रखना, ओके बात समझ में आ गई। सो दिस वॉज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, फॉर दिस वी विल मूव टू द डीजी साइड। सो द क्वेश्चन इज, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पीयर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, बट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन इन द एसआई यूनिट। सो हमें इस डिस्टेंस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट इनटू 2 आई अपॉन 4 पाई आर। इस वैल्यू में म्यू नॉट की वैल्यू आपकी 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 आती है। पुट करना यहां पे, आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू जो डिस्टेंस है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ऑफ टेस्ला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, ओके सो आई एम पिकिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर and making an angle of 30 degree, okay, with the direction of the uniform magnetic field of 0.15 tesla. सारी value already SI unit में given है, okay, तो हमारे पास current की value 8 ampere given है, magnetic field की value 0.15 tesla given है, angle जो है that is 30 degree, okay, we just calculate the value of the force, so force equals to BI sin theta, okay, so value of the B is 0.15 tesla, I की value 8 है, sin theta यानी sin 30 degree, इसको solve करेंगे तो 0.6 newton per meter, okay, अगर यही question आता, just we have to calculate the force, तो force calculate करने के लिए हमें length की भी requirement होती है, but question में force per unit length बोला, इसलिए हमें length की requirement यहाँ पे नहीं है। so the next question, भी रहा था, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ओके, तो करंट की वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर फर्स्ट वाले वायर में, सेकंड वायर में करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, बट इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 0.04 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ द वायर 10 सेंटीमीटर है, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.1 मीटर। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2 इंटू आई ए आई बी इंटू एल अपॉन 4 पाई आर, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 2 की जगह 2, आई वन आई ए और आई बी की वैल्यू पुट कर देना, एल की वैल्यू 1 दैट इज 0.1 इंटू अपॉन 4 पाई आर। जब इस पूरे को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ओके नाउ स्टूडेंट डू वन थिंग मोर, आपको क्या करना है, घर पे इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ओके और जो आपको एक्स्ट्रा शीट मिली हुई है उसकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।